पार्क टेक्निकल में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं, यदि आपकी व्हाट्सएप की प्रोफाइल पिक किसी के दूसरे के मोबाइल में आपकी प्रोफाइल पिक नहीं शो हो रही है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम आपको वीडियो को शुरू करते हैं। यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। आइए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आप यह देख लीजिए कि क्या हमने अपने प्रोफाइल को नोबडी तो नहीं किया। इसी कारण यदि आप नोबडी किए होंगे तो आपकी प्रोफाइल को कोई नहीं देख सकता है दोस्तों। तो आप इस सेटिंग में देखने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, हम आपको बताएंगे। आपको चैट वाले ऑप्शन में जाना पड़ेगा। चैट वाले ऑप्शन में जाने के बाद दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं थ्री डॉट वाला ऑप्शन है। थ्री डॉट वाले ऑप्शन पर दोस्तों आपको यहां पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहां पर सेटिंग वाला ऑप्शन देख सकते हैं। सेटिंग वाले ऑप्शन में आने के बाद आपको अकाउंट का ऑप्शन, तो अकाउंट वाले ऑप्शन पर आपको जाना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर प्राइवेसी का ऑप्शन, तो प्राइवेसी वाले पर आपको दोस्तों यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए प्रोफाइल फोटो का ऑप्शन दिख रहा है, तो प्रोफाइल फोटो वाले पे आपको दोस्तों यहाँ पर क्लिक करना है। आप ये देख लीजिए कि नोबडी, यदि आपको नोबडी होगा तो आपकी प्रोफाइल कोई नहीं देख सकता है। यदि एवरीवन होगा तो आपको कोई भी देख सकता है। यदि माई कॉन्टेक्ट रहेगा, माई कॉन्टेक्ट क्या होगा कि आपके जितने भी आपके फोन में नंबर सेव है वही आपके प्रोफाइल फोटो देख सकते हैं दोस्तों। ये कर लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद आपको इससे भी प्रॉब्लम आपके नहीं सॉल्व होती है दोस्तों, तो हम आपको बताते क्या करना है। आप ये देख लीजिए कि दोस्तों कि हमने उस नंबर को ब्लॉक तो नहीं किया है जिसकी मोबाइल से हमारी प्रोफाइल फोटो नहीं दिखा रही है। तो ब्लॉक देखने के लिए दोस्तों आपको उसी तरह आपको करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको दोस्तों सेटिंग वाले में जाना है। सेटिंग वाले में जाने के बाद दोस्तों आपको अकाउंट में चला जाना है। अकाउंट में चले जाने के बाद आपको देखिए दोस्तों प्राइवेसी का ऑप्शन दिख रहा है, तो प्राइवेसी में आने के बाद आपको नीचे डाउन करना है। डाउन करने के बाद देखिए यहाँ पर ब्लॉक कॉन्टेक्ट का ऑप्शन है, तो ब्लॉक कॉन्टेक्ट वाले पे आपको दोस्तों देखिए हमने कोई ब्लॉक नंबर नहीं किया है। यदि आप ब्लॉक नंबर किए होंगे तो आप यहाँ पर शो होगा, तो इसके बाद आपको उसे अनब्लॉक कर देना है दोस्तों। यदि उसके प्रोफाइल यदि उसी को ब्लॉक किए तो उसी में से प्रोफाइल नहीं दिखा रहा है। तो इसके बाद दोस्तों आपको बताते हैं दोस्तों इसकी यदि दोस्तों इससे भी नहीं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती तो आपको हम बताते दोस्तों क्या करना है। इसके लिए दोस्तों आपके अपने जिस मोबाइल से नहीं दिखा रहा है आपकी प्रोफाइल फोटो, उसके मोबाइल में यह देख लीजिए कि उसने कैमरा को अलाउ किया है कि नहीं व्हाट्सएप वाले परमिशन को। तो आइए आपको बताते हैं व्हाट्सएप परमिशन वाले में उसके मोबाइल में कैसे जाए। तो इसके लिए दोस्तों आपको सेटिंग में जाना होगा दोस्तों। बाद आपको दोस्तों या मैनेज ऐप का ऑप्शन होगा या ऐप का ऑप्शन होगा, तो आप हमारे में ऐप का ऑप्शन, तो हम ऐप वाले ऑप्शन में दोस्तों जाएंगे। इसके बाद दोस्तों हम मैनेज ऐप वाले ऑप्शन पर दोस्तों यहां पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको दोस्तों क्या करना पड़ेगा, इसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप को दोस्तों यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर परमिशन का ऑप्शन है, ऐप परमिशन वाले ऑप्शन पर दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए हमने सब अलाउ किया। यदि आप कैमरा अलाउ नहीं होगा तो आप सब अलाउ कर दीजिएगा दोस्तों। यदि आप इस ट्रिक को यदि आप फॉलो करते हैं तो आपको जरूर आपके दूसरे मोबाइल में आपका प्रोफाइल फोटो दिखने लगा कर दोस्तों। यदि दोस्तों वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।